अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, अब आज हमारा जो है वो 22nd लेक्चर है डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन का। और पिछले लेक्चर के अंदर जो है वो हमने फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने एच ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ा था। आज हम जो है वो फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में पढ़ेंगे विद सम एडिशनल इनपुट्स। जनरली जो आपके पास फ्लिप फ्लॉप होता है उसमें जो है, पहले हमने पढ़े थे लैचेज, उसके बाद फ्लिप फ्लॉप। तो लैच और फ्लिप फ्लॉप में यही डिफरेंस था कि जो फ्लिप फ्लॉप है उसमें जो है वो आपके ना क्लॉक पल्स जो है वो एज़ वन ऑफ द इनपुट्स जो है वो दी जाती है, और आपकी जो आउटपुट है सर्किट की वो चेंज होती है विद रिस्पॉन्स टू द एक्टिव क्लॉक एज जो है वो आपके पास पॉजिटिव एज है या नेगेटिव एज है। अब हम देखेंगे कि फ्लिप फ्लॉप में जो है वो क्लॉक पल्स के अलावा जो है कुछ एडिशनल इनपुट्स भी होती हैं, उनका क्या पर्पज़ होता है, वो जो है वो कौन सी होती हैं, वो हम आज देखेंगे। और उसके अलावा जो है वो सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं आपके पास। अच्छा जी, ये आपके पास जो है ये एक फिगर है आपके पास जो कि शो कर रही है एक सिंपल जो है, ये आपके पास एक तरह से जो है वो डी फ्लिप फ्लॉप है। और डी फ्लिप फ्लॉप में आपको पता है कि ये डी इनपुट है, ये क्लॉक पल्स है आपके पास, ये क्यू प्राइम और क्यू जो हैं ये आपकी दो आउटपुट्स आएंगी। ये इसकी दो जो हैं वो आप कह लेंगे एडिशनल इनपुट्स हैं, एक ये क्लियर CLRN और ये PREN। ठीक है जी, ये जो CLR है ये क्लियर इनपुट कहलाती है, और ये जो PRE है ये आपके पास जो है ये प्री सेट जो है वो इनपुट जो है वो कहलाती है आपके पास। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप ऑफन हैव एडिशनल इनपुट्स विच कैन बी यूज्ड टू सेट द फ्लिप फ्लॉप्स टू एन इनिशियल स्टेट इंडिपेंडेंट ऑफ द क्लॉक। तो इसका जो बेसिक पर्पज़ है वो यही है कि आप ये जो इनकी आउटपुट्स हैं इनको जो है वो अपनी मर्ज़ी की जो है वो इनिशियल स्टेट देने के लिए आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपके पास जो है, जैसे मैंने बताया कि ये आपके पास फिगर है जो कि डी फ्लिप फ्लॉप की है, जिसमें जो है वो दो आपके पास एडिशनल इनपुट्स हैं, एक है जी क्लियर इनपुट और दूसरी है प्री सेट इनपुट जो है। ठीक है, और जो स्मॉल सर्कल्स हैं आप अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहे होंगे ये इनपुट के आगे, तो ये शो कर रहे हैं कि ये जब इनकी इनपुट जो है वो अगर आप ज़ीरो देंगे तो ये क्लॉक है तो इसको कन्वर्ट करके वन कर देगा। ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है कि जो लॉजिक ज़ीरो है वो जब आप देंगे, लेट्स सपोज अगर आप वो क्लियर इनपुट पर देते हैं तो ये जो है इनकी आउटपुट्स को कर देगी क्लियर। इनके क्लियर का मतलब है कि आउटपुट के ऊपर जो है वो ज़ीरो ज़ीरो जो है वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह जो है जब अगर आप उसको जो है वो प्री सेट वाला को जो है वो इसको अगर आप ज़ीरो देंगे तो ज़ीरो ये बबल जो है ये इसको वन बना देगा, और उस वक्त जो है ये आपका जो है ऑलरेडी जो है वो प्री सेट वैल्यू इधर जो है वो कहीं ना कहीं आ जाएगी। ठीक है जी, वन लेट्स सपोज दिस टाइप ऑफ इनपुट ऑफर रेफर्ड एज एक्टिव लो बिकॉज लो वोल्टेज और द जीरो लॉजिक एक्टिवेट द क्लियर और द प्री सेट फंक्शन। ठीक है जी, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये जो है ये एक्टिव लो जो है आप कह लेंगे ये इनपुट्स हैं आपके पास। ठीक है, एक्टिव लो का मतलब है कि जब लो इनपुट आएगी तो ये जो आप कह लेंगे इनपुट्स हैं ये एक्टिवेट होंगी, यानी कि ये जो है ये आपकी आउटपुट जो है अकॉर्डिंगली उसको चेंज करें। अच्छा जी, अब जो है ये इसका आप कह लें कि ये इसका ट्रुथ टेबल है। ठीक है जी, क्योंकि शो कर रहा है, पहले तो देखें जब प्री सेट और ये जो क्लियर हैं ये दोनों जो उनसी हैं जो ज़ीरो ज़ीरो जो है ये अलाउड नहीं है आपके पास। ठीक है, क्योंकि यहाँ एट अ टाइम जो है वो क्लियर का फंक्शन वन वर्क कर रहा होगा, यहाँ जो है क्योंकि आपको पता है कि ये एक्टिव लो इनपुट्स हैं, तो ज़ीरो ज़ीरो का मतलब है कि आपने दोनों पे इनपुट दे दिए, आपने क्लियर भी कर दिया साथ आपने प्री सेट भी कर दिया, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ आप क्लियर करेंगे यहाँ आप प्री सेट करेंगे। ठीक है, पहले इसको तो ये जो ज़ीरो ज़ीरो है ये तो जो इनपुट है ये अलाउड ही नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर क्लॉक की जो है वो वैल्यू जो मर्जी हो वो मैटर नहीं करती आपके पास। इसी तरह प्री सेट ज़ीरो, ठीक है, और जो क्लियर है वन। अब ये प्री सेट जो उनकी है ये इनपुट ज़ीरो है, तो प्री सेट इनपुट ज़ीरो है तो इधर आपके पास ज़ीरो आएगा, तो ये ज़ीरो से ये बबल जो है ये इसको वन कर देगा। इसका मतलब कि अब ये प्री सेट जो है ये एक्टिवेट हो गया, तो प्री सेट जब एक्टिवेट होगा तो ये जो आउटपुट है इसको प्री सेट कर देगा, यानी कि आउटपुट को ये वन कर देगा आपके पास। ठीक है, तो ये जो आउटपुट है आपकी वन हो जाएगी। इसी तरह जब प्री सेट वन है, ठीक है, इधर जब वन होगा तो इधर ज़ीरो हो जाएगा, इसका मतलब कि प्री सेट फिर एक्टिवेट, क्योंकि ये जो है ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये आपके पास एक्टिव लो इनपुट्स हैं आपके पास, क्लियर जो है ज़ीरो है। अब क्लियर ज़ीरो है तो इधर जब ज़ीरो आएगा क्लियर का, ठीक है, इधर वन आ जाएगा आपके पास, तो इसका मतलब है कि अब आपके पास जो है ये
एक्सक्यूज मी। अच्छा जी, ये हमारा जो क्लियर वाला इनपुट है ये एक्टिवेट हो जाएगी, तो आप जो भी कोई इनपुट की वैल्यूज हैं आपके पास आउटपुट पे वो क्लियर हो जाएंगी, यानी कि आउटपुट पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो आपकी जो आउटपुट है वो ज़ीरो आएगी, ठीक है। इसी तरह जब वन वन है, ठीक है, वन वन है, वन ये भी वन है, ये भी वन है, जब ये दोनों वन वन होंगे तो इसका मतलब क्या है, वन वन होने का मतलब है कि ये दोनों ही, क्योंकि ये एक्टिव लो इनपुट्स हैं, तो वन वन है इसका मतलब है कि ये दोनों ही डिसेबल्ड हैं, ठीक है। अब ये दोनों कीज जो हैं ये वर्क नहीं कर रही होंगी, इनका कोई इफेक्ट नहीं होगा आपकी आउटपुट के ऊपर, तो इसका मतलब है कि अब जो है आपकी ये क्लॉक पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये आपका मतलब क्या है, क्लॉक हाई है, अगर आपके पास जो है वो क्लॉक हाई है, ठीक है, तो आपकी जो आउटपुट है वो चेंज होगी। अब क्लॉक हाई है और डाटा पे क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। ये जो आपके पास पहले तीन थे ना, ये वाले, ये जो आपके पास हैं, इनके लिए जो क्लॉक और जो डाटा इनपुट्स हैं वो मैटर नहीं करती, वो डोंट केयर हैं, यानी कि जब ये एक्टिवेट होंगी तो जो क्लॉक और जो इनपुट है इनकी, जो जो क्लॉक और डाटा इनपुट्स हैं ये जो मर्जी हों वो जो हैं वो कहने के इररेलेवेंट होंगी आपके पास, क्योंकि ये प्रीसेट और जो क्लियर हैं ये वर्क कर रही होंगी, तो ये ऑलरेडी डाटा को ज़ीरो और वन कर देंगे, तो ये डाटा और जो क्लॉक इनपुट जो है ये मैटर नहीं करती उस केस में जो है। जब ये दोनों जो हैं वो वन वन होंगी उस केस में, क्योंकि इसका मतलब कि अब ये वाली जो है ये एक्टिवेट नहीं है, क्योंकि ये हाई वैल्यूज आ गई है ना, तो हाई वैल्यू का मतलब है कि अब आपके पास ये एक्टिवेट नहीं है, ये एक्टिवेट नहीं है, तो अब जो है वो क्लॉक और डाटा इनपुट, यानी कि अब इस केस में जो आपका फ्लिप फ्लॉप है वो प्योरली जो है वो डी और आप कह लेंगे क्लॉक जो है या गेटेड डी जो है वो फ्लिप फ्लॉप के तौर पर वर्क कर रहा होगा, और उसी तरह जो आ रहा होगा ये एक्टिव हाई एज है ना आपके पास, तो ये जब ये एक्टिव हाई एज जाएगा तो जो डाटा इनपुट है, जो डाटा पे वैल्यू आ रही होगी वही आपकी आउटपुट आएगी ज़ीरो, और ये हाई पे भी जो है वो डाटा की ये वन है तो ये वन आ जाएगी आपके पास, ठीक है। उसके बाद अब देखें, अगर क्लॉक की वैल्यू जो है वो ज़ीरो है या वन है, क्योंकि हमने देखा था कि जब ये पल्स आती है ना तो इस तरह की क्लॉक पल्स होती है, तो मैं ये बनाऊँ तो इट इज़ समथिंग लाइक दिस, ठीक है जी। इस तरह आपके पास क्लॉक पल्स आ रही होती है, अब ये आपका जो है ये एक्टिव हाई एज है, ठीक है, और ये जो है ये आपका लो वाला एज है, ठीक है। अब ये देखें, जब ये एक्टिव हाई एज आएगा ना तो ये आपके पास, आपको पता है कि अगर यहाँ पर बबल ना हो तो उसका मतलब है कि ये एक्टिव हाई पे वर्क करेगा, अगर बबल हो तो इसका मतलब है कि एक्टिव लो पे कार वर्क करेगा, इधर बबल नहीं है क्लॉक पे तो इसका मतलब है कि एक्टिव हाई पे वर्क करेगा, एक्टिव हाई पे वर्क करेगा, तो जैसे ही एक्टिव हाई आएगी तो उस केस में फिर आपकी जो आउटपुट है वो चेंज होगी, ठीक है। यानी कि ये जीरो है तो ये जीरो इधर आ जाएगा, इधर वन है तो इधर वन आ जाएगा, और दूसरा ये कि जीरो वन क्लॉक, जीरो वन का मतलब क्या है, ये अब यहाँ पर जो है ये जो आपके पास एरिया है ये सारा का सारा जोन सा है, यहाँ पर क्लॉक की वैल्यू ज़ीरो है, तो इसका मतलब है कि जब ये सॉरी वन है, इधर क्लॉक की वैल्यू जो होती है आपके पास ज़ीरो नहीं, इधर वन है, ठीक है, इधर वन है तो, और दूसरा ये जो है आपके पास, ठीक है जी, इधर जो है क्लॉक की वैल्यू जो है वो ज़ीरो है, ठीक है, और ये जो एज है, ठीक है, इसे फॉलिंग एज कहेंगे। अब क्लॉक की वैल्यू ज़ीरो हो, यानी कि इस टाइम के दौरान सॉरी वन हो, इस टाइम के दौरान ज़ीरो हो, इस टाइम के दौरान, और ये जो फॉलिंग एज है इसके दौरान जो है वो आप कह लें कि जो ये फ्लिप फ्लॉप है इसकी आउटपुट चेंज नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि ये जो एक्टिव हाई फ्लिप फ्लॉप है इसकी वैल्यू सिर्फ जब ये एक्टिव आ जाएगा सिर्फ उस वक्त चेंज होगी, ठीक है। तो उसके बाद जो है इस टाइम के दौरान जब ये क्लॉक की वैल्यू जो है वो वन है, या जब वो फॉल कर रही है, या जब जो जो ज़ीरो है, टी की वैल्यू जो मर्जी हो, आपकी जो आउटपुट है वो चेंज नहीं होगी आपकी, ठीक है, यू विल नॉट चेंज, वो सिर्फ चेंज होगी आपकी एक्टिव हाई पे, और जब ये एक्टिव हाई एज जाएगा तो डी इनपुट अगर ज़ीरो है तो आउटपुट पे ज़ीरो आ जाएगा, डी इनपुट अगर वन है तो आउटपुट पे वन आ जाएगा। तो इस तरह जो है ये फ्लिप फ्लॉप जो है, अब इसमें ये देखें, ये जो प्रीसेट और ये जो कंट्रोल वाली हैं ये हम जो है ये हम यूज़ कर सकते हैं, अगर हमने कोई इनिशियल स्टेट देनी है आउटपुट के ऊपर जो है उसको, या अगर हमने इनिशियली कोई वैल्यू, अगर हमने उनको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो क्लियर करना है, तो उस पर्पज़ की ये एडिशनल इनपुट्स यूज़ की जा सकती है। अच्छा जी, ये वही जो पिछली डायग्राम है, जो पिछली आपके पास फिगर थी, ये उसी की जो है आपके लेंगे टाइमिंग डायग्राम है, ठीक है। जैसे अगर आप देख लें तो ये आपके पास एक्टिव हाई एज आ रहा है, ठीक, ये है एक्टिव हाई एज आ रहा है इधर, ये भी आपका एक्टिव हाई एज है, ठीक है जी, ये भी आपका एक्टिव हाई एज है, ठीक है जी, और ये भी आपका जो है ये एक्टिव हाई एज आ रहा है, यानी कि सिर्फ इसके ऊपर जो है वो वैल्यू चेंज होगी। जैसे ये देखें, ये एक्टिव हाई एज आया,
डी पे वैल्यू क्या थी, अब पहले ये देख रहे हैं कंट्रोल जो है अगर ज़ीरो है, ठीक है, देखें ये यहाँ पर क्या आ रहा है, कंट्रोल आ रहा है ज़ीरो, और आपको पता है कि ये सॉरी कंट्रोल कह रहा हूँ, क्लियर इनपुट ज़ीरो आ रही है, क्लियर इनपुट ज़ीरो है तो आपको पता है कि क्लियर इनपुट क्या करती है, अगर क्लियर इनपुट ज़ीरो हो तो वो एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि ये एक्टिव लो इनपुट है आपके पास, तो आउटपुट जो है वो उसको क्या कर देगी, क्लियर कर देगी, ज़ीरो कर देगी। तो यहाँ तक अगर हम देखें तो आपकी जो आउटपुट है वो ज़ीरो आ रही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें क्लियर इनपुट वन है तो ये ख़त्म होगी आपके पास, ठीक है। ये जो है आपके पास प्रीसेट जो है, प्रीसेट जो है ये आपके पास वन आ रही है, ठीक है जी, प्रीसेट वन आ रही है, तो इससे जो है ये भी वन है और इस टाइम के लिए ये भी वन है, तो इसका मतलब है कि ये आउटपुट जो है अब इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आउटपुट अभी भी क्यों वो है, क्योंकि आपका एक्टिव एज नहीं आया, क्योंकि इस टाइम के लिए ये वाला और ये जो टाइम, ठीक है जी, इस टाइम के लिए आप कह रहे हैं कि ये दोनों वन वन है ना, तो वन वन है, इसका मतलब है कि अब ये जो है ये डी फ्लिप फ्लॉप बात करेगा। अब एक्टिव हाई एज आ गया, जैसे ही एक्टिव हाई एज आया अब इनपुट क्या है, अब इसका मतलब कि जो डी की वैल्यू है वो आपकी आउटपुट पर चली जाएगी, डी की वैल्यू क्या है इस टाइम वन आ रही है, तो आपकी आउटपुट पे क्या है, जैसे ही ये आएगा तो ये आपके पास आउटपुट जो है आपकी वन होगी आपके पास। देखिए उसके बाद जो है ये जो थोड़ा सा गैप आ रहा है, ये आपको पता है कि ये टाइम डिले होता है, जो हमने जो है पिछले लेक्चर में पढ़ा था, तो ये थोड़ा सा टाइम डिले आता है आपको। तो ये जो है ये पिछले जो हमारा टेबल है या जो सर्किट है इसकी सारी की सारी ये टाइमिंग डायग्राम। अच्छा जी, अब जो है ये जो सिंक्रोनस डिजिटल सिस्टम्स होते हैं, ये पीछे जो हमने जो जिस तरह हमने वो गेटेड डी फ्लिप फ्लॉप पढ़ा था, तो ये जो आपके पास फ्लिप फ्लॉप है, आपको पता है कि फ्लिप फ्लॉप जो है उसकी आउटपुट चेंज होती है विद रिस्पॉन्स टू क्लॉक पल्स जो है, तो ऐसे सर्किट्स को आप जो है वो सिंक्रोनस जो है वो सर्किट्स जो है वो कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ये जो क्लियर की और ये जो प्रीसेट की इनपुट्स हैं, ये जो है वो सर्किट को ए सिंक्रोन वो जो सिंक्रोनस से जो है वो ए सिंक्रोनस बना देती हैं, क्योंकि जब क्लियर और प्रीसेट की इनपुट्स एक्टिवेट होती हैं तो उस केस में आपकी जो क्लॉक पल्स है वो एक तरह से उसका वो डिसेबल हो जाती है, कि क्लॉक पल्स वो चेंज हो ना हो, आपकी आउटपुट जो है वो चेंज होगी सिर्फ क्लियर और प्रीसेट इनपुट की वजह से, तो उस केस में सिर्फ जितनी केस में वो एक्टिवेट रहती हैं तो ये आपका ए सिंक्रोनस जो है वो सर्किट रहता है आपका। अच्छा जी, बाज़ बात ये होता है कि वाइल व्हेन डिज़ाइनिंग सच सिस्टम्स वी फ्रीक्वेंटली इनकाउंटर सिचुएशंस वेयर वी वांट सम फ्लिप फ्लॉप्स टू होल्ड एग्जिस्टिंग डाटा इवन दो द डाटा इनपुट्स टू द फ्लिप फ्लॉप मे नॉट बी चेंजिंग, ठीक है जी, जैसे कि हमने पीछे देखा, ठीक है, कि फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स चेंज हो रही हैं लेकिन डाटा फिर भी होल्ड कर रहा है अगर आप लोग कंट्रोल और दूसरी इनपुट्स को यूज़ करते हैं प्रीसेट की। वन वे टू डू दिस इज टू गेट द क्लॉक, ठीक है जी, आप क्लॉक को गेट कर सकते हैं, गेट करने से जो है क्लॉक को आप अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है जी, ये बीच में जो है वो इनेबल कर रहा है वो फंक्शन लगा के। अच्छा जी, ये जो फ्लिप फ्लॉप टू है इसको जो है वो आप इनेबल की बजाय जो है हम क्लॉक इनेबल जो है वो यूज़ करते हैं, और इसको कहते हैं जी डी सी ई, डी फ्लिप फ्लॉप विद क्लॉक, डी क्लॉक इनेबल फ्लिप फ्लॉप इसे कहते हैं। इसमें जो है वो क्लॉक और डी के अलावा जो एक जो है वो क्लॉक इनेबल की भी होती है जो कि क्लॉक को इनेबल करती है, इनके क्लॉक आपका वर्क करेगा या नहीं करेगा, ठीक है जी। व्हेन सी इज इक्वल टू जीरो द क्लॉक इज डिसेबल्ड एंड नो स्टेट चेंज ऑकर्स, क्यू प्राइम इज इक्वल टू क्यू, ठीक है जी। तो जब जो है ये क्लॉक इनेबल ज़ीरो होगी तो इसका मतलब है कि क्लॉक आपका इनेबल नहीं है, तो ये जो क्लॉक पल्स जो है वो जो मर्जी है आउटपुट आपकी चेंज नहीं होगी, वो वही रहेगी, यानी कि क्यू प्लस का मतलब है कि नेक्स्ट स्टेट आपकी आउटपुट की वो वही रहेगी जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसके ऊपर। व्हेन सी इज इक्वल टू वन द फ्लिप फ्लॉप एक्स लाइक अ नॉर्मल डी फ्लिप फ्लॉप, और क्यू प्लस जो है वो डी, यानी कि जो भी डाटा आएगा वो आपका क्यू प्लस पे चला जाएगा, ठीक है जी। और जिसकी जो कि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो ये आएगी, और इसको जो है वो अचीव करने के लिए आप क्या करते हैं, आप इधर क्लॉक पल्स देते हैं और आप ये जो डी इनपुट है यहाँ पर आप एक मक्स लगा देते हैं मल्टीप्लेक्सर, विच इज़ अ डाटा सेलेक्टर, उसमें जो है एक जो है वो क्यू इनपुट आ जाएगी उसकी एक जो है, और दूसरी जो है वो डी इन है आपके पास, ठीक है जी। और ये क्लॉक इनेबल है, अब क्लॉक इनेबल जो है वो डिसाइड करेगा कि आपकी ये जो क्यू आउटपुट है, ये जो क्यू है ये डी पे आएगा या ये जो डी इन है ये आपकी जो है वो आएगी आपके पास यहाँ पर, ठीक है जी। अगर क्लॉक इनेबल जो है वो ज़ीरो है तो ये जो क्यू है, ठीक है, तो यही जो है ये इधर आ जाएगा डी पे जो, ठीक है। इसी तरह अगर क्लॉक इनेबल वन है तो फिर ये जो डी इन है, ठीक है जी, यहाँ से जो एक्सटर्नल डाटा इनपुट आ रही है वो आपके पास आके डी पे चली जाएगी। तो इस तरह जो है वो मक्स को यूज़ करते हुए आप ये जो है वो क्लॉक इनेबल डी फ्लिप फ्लॉप जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं।
अच्छा जी, इसी तरह जो है वो एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स है, तो इसकी जो है वो मैं ज़्यादा डिटेल जो है वो आपको नहीं दे रहा, ठीक है, क्योंकि ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये जो हमने लैचेस पढ़े थे जिसमें के जो है वो क्लॉक सॉरी जिसमें जो इनपुट है वो यहाँ आप कह लें कि जिसमें जो सर्किट की आउटपुट है वो डाटा इनपुट, इसमें जिसमें जो आपकी सर्किट की आउटपुट है वो डाटा आप कह लें कि इनपुट जो है सिर्फ उसके चेंज होने से चेंज होती है, उसमें क्लॉक पल्स होती ही नहीं है उसमें, तो ठीक है, तो उन सर्किट्स को जो है आप एसिंक्रोनस सर्किट कहते हैं, ठीक है। और ये जो बाकी से सर्किट्स हैं जिनके अंदर जो है वो जैसे फ्लिप फ्लॉप्स हैं, फ्लिप फ्लॉप के अंदर जो आपकी आउटपुट है दैट चेंजेस विद द चेंज इन क्लॉक पल्स, ठीक है जी, वो क्लॉक पल्स जो है वो आपकी आउटपुट को चेंज करेगी, ठीक है। जिस तरह आपने हमने पढ़ा कि एक्टिव हाई और एक्टिव लो एज जो है वो फ्लिप फ्लॉप, तो जो एक्टिव हाई वाले हैं उसमें जब हाई एज जाएगा तो उस वक्त जो है आपकी जो डाटा इनपुट है वो आउटपुट पे जाएगी, और इसी तरह जो है जब एक्टिव लो एज आएगा, एक्टिव लो एज फ्लिप फ्लॉप के अंदर जो है वो एक्टिव लो एज के ऊपर जो है वो आपकी इनपुट जो है वो आपकी आउटपुट के ऊपर जाएगी, ठीक है। सो ये जो है ये आपके पास सिंक्रोनस सर्किट्स हैं, और जो लैचेस हैं जिनमें आपकी आउटपुट जो है दैट इज़ विच इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द क्लॉक पल्सेस, वो जो है आपके पास ए सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट्स हैं वो कहलाते हैं।